जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। 26वीं गाथा से एक प्रश्न खड़ा हुआ था कि यदि देह और आत्मा को तुम एक कहोगे तो तीर्थंकरों की जो एक नहीं मानोगे तो तीर्थंकरों की स्तुति जो देह के आधार पर की जाती है वो मिथ्या हो जाएगी। ये प्रश्न उस भेद विज्ञान के विरुद्ध था कि जिस भेद विज्ञान की चर्चा में देह और आत्मा की पृथकता सिद्ध की गई थी। फिर आचार्य देव ने निश्चय और व्यवहार स्थितियों के माध्यम से उसका समाधान किया और 33वीं गाथा तक अंत में दो कलशों के माध्यम से उनने कहा कि हमने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी। इतना स्पष्ट कर देने के बाद हम समझते हैं कि प्रत्येक आत्मार्थी भाई की समझ में ये बात आ गई होगी कि काया और आत्मा एक नहीं है। तब शिष्य ने कहा कि ये तो समझ में आ गई, लेकिन अब ये एक नहीं है तो काया और काया के अंदर जो स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये सब मोह राग द्वेष के भाव, इन सब को हम छोड़े कैसे? ये तो हमसे बंधे हैं ना, हमारे नहीं है, हम बिल्कुल इनसे जुड़े हैं, इनके भी जो वज्र की दीवार है आपने सब बता दिया, हमने सब मान लिया, लेकिन अभी इन्हें छोड़ना भी तो है, तो छोड़े कैसे? तो आचार्य देव ने उसकी विधि भी बताई और वो विधि इतनी सरल और संक्षिप्त थी कि जिसकी कल्पना किसी कृष्णकाल ने कभी की ही नहीं होगी। कि तुमने जान लिया ना और मान लिया कि हाँ जान लिया और मान लिया, तो अब रह क्या गया त्यागने के लिए जो तुम ये बात करते हो? कि तुम्हारा जान लेना ये ही त्याग है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि कोई पुरुष किसी के यहाँ गया और उसका वस्त्र ले लिया, लेकिन पहचानने के बाद फिर पता चला ये मेरा नहीं है, तो उसी वक्त अंदर से आ जाता है भाव कि ये मेरा नहीं है। तो इस तरह से असली त्याग तो उसी समय हो गया, अब उसे अलग से करने की बात नहीं है। अब बात तो सिर्फ इतनी रही कि श्रद्धा और ज्ञान में से तो वो छूट गया और अनंतानंदी का अभाव होने से चारित्र में भी उस अंश में छूट गया, लेकिन वो जगत के सामने मालूम नहीं पड़ता, इसलिए कहते हैं कि नहीं छूटा। बोलते हैं चरित्र मोह बस लेश न संयम, पैसोनाथ जजय की जात में नहीं कर रहा हूं मैं, तो चरित्र मोह बस लेश न संयम जो ये बात कही है, तो अनंतानंदी के कसाय के अभाव से जो अद्भुत शांति अंदर में प्रकट हुई है जिसकी तुलना में बाकी कसाएं बिल्कुल जीरो जैसी हैं अनंतानंदी कसाय की तुलना में, तो काम तो 99% हो गया। और तुम कह रहे हो कि लेस न संयम त्याग बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो ये बात हमारे गले नहीं उतरती है। एक साथ तो ये कहते हो कि जब श्रद्धा और ज्ञान में से ये छूटते हैं तो उस समय उससे अनंतानंदी राग भी छूट जाता है, है ना? और छूट गया और आपका त्याग नहीं हुआ, तो वो ये कहते हैं जो देखो थोड़ी बारीक बात है, 5-10 मिनट लगेंगे समझने में, धैर्य से सुनना। असलियत में हमारे क्या है कि जितनी पाप प्रवृत्ति पुण्य जो भी क्रिया आप बाह्य की क्रिया पुण्य पाप कुछ भी गिन लो जीवन में दिखाई देती है काया में, हम करते दिखाई देते हैं, उससे असंख्य गुणी हमारी वाणी और मन में है। माने हमारा क्या है कि हमारी शक्ति की कमी की वजह से वो काया में वो वाणी में प्रकट नहीं हो पाता है, मन में उससे अनंत गुणा वो है पाप। और इसका ये देख लीजिए, मैं कहते हैं जितना पाप हमारे मनों में है, जितना क्रोध मान
मान माया लोभ हमारे मनों में है वो सबका सब वाणी में आ जाए तो जगत में कोलाहल मच जाए, और वो सबका सब काया में आ जाए तो एक भी आदमी जिंदा नहीं बचे। क्यों? ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसके बारे में किसी न किसी नालायक ने उसे मारने की नहीं तो मर जाए तो अच्छा ऐसा न सोचा, और यदि उसकी मन की बात वाणी और काया में आ गई होती तो कौन बचता। मैं सोचता हूँ ऐसी कौन माँ बहन है कुरूप से कुरूप, सुंदर से सुंदर नहीं, कि जिसे देखकर किसी न किसी नालायक के हृदय में खोटा भाव न आया हो, और यदि वो भाव मन का वाणी में और काया में आ गया होता तो क्या होता, आप कल्पना कर सकते हैं किसी माँ बहन की इज्जत बचती। तो ये जो प्रकृति की व्यवस्था है क्या, कि जितना पाप हमारे मनों में है वाणी में उसका असंख्यात्मा भाग है और काया में उसका भी असंख्यात्मा भाग है, मैं तो कहूंगा अनंतमा भाग है, क्योंकि वो अनंतानुबंधी है ना। तो होता क्या है कि जब वो छूटता है तो पहले वो जो बहुत बहुत गहरा होता है वो छूटता है, ये नियम ही है। तो वो जो पाप हमारे मन में से अनंत पाप निकल गया, माने अनंतानुबंधी कसाय निकल गई, तो भी बाहर कुछ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि बाहर में जो काया में जितनी आई थी वह उतनी तो अभी भी मौजूद है। वो तो जो काया में नहीं आई थी और वाणी में नहीं आई थी वो निकल गई है, इसलिए बाहर से दिखाई नहीं देगी। जैसे कि एक आदमी के करोड़ों रुपए का कर्जा है और उसके 50,000 रुपये महीने की इनकम है, लेकिन वो दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? कि बहुत उसकी चला जाता है, थोड़ा बहुत मूल में जाता है तो बस वैसे दिखता रहता है। पर एक आदमी की 10,000 रुपये महीना इनकम है लेकिन फिर भी पुराना कर्जा नहीं है तो वो दिखता है कि वो गड्ढा बहुत बड़ा है ना, तो भरता जाता है, जब वो गड्ढा भर जाए और फिर थोड़ा जुड़े तो दिखाई दे। 1,00,000 रुपये महीने का है, मकान लेके क्यों नहीं रहता, एक बंगला क्यों नहीं खरीद लेता है, हम तो हमें 10,000 मिलते हैं, हमने तो ले लिया है। ऐसा सोचने वाले बहुत मिलते हैं ना, लेकिन उन्हें क्या पता क्या पोजीशन है, उसमें कितनी लायबिलिटी है, कितने भाई बच्चे हैं, उसको खर्चा करना पड़ता है, उनका उसे अंदाज तो है नहीं। तो ऐसे हमारे कसाय का स्टॉक इतना अधिक है कि उसमें से अनंत खर्च हो जाए तो भी हमारे जीवन में प्रतिफल दिखाई नहीं देता है। देखो क्या, अब देखिए कि मान लो कि अभी 5वां गुणस्थान मान लो हो गया तो भी आखिर परस्त्री का ही तो त्याग हुआ, स्वस्त्री तो तब भी मौजूद है ना अमृत भाई, अब परस्त्री का त्याग हुआ कैसे दिखेगा, क्योंकि यदि मैंने किसी माँ बहन को छेड़ा तो बिना पैसों के ही बाल बन जाएंगे, इस डर के मारे उसने किसी माँ बहन को नहीं छेड़ा और जवान पर भी एक शब्द नहीं लाया किसी से, ये भी नहीं बोला कि आई लव यू, क्यों? अब वो डर के मारे मन में तो था बहुत, अब वो जो मन का इतना निकला तो आखिर वो परस्त्री का ही तो निकला ना, जो कि प्रवृत्ति में बिल्कुल था ही नहीं। परस्त्री वाला पाप अनुमित नहीं होने पर भी उसकी प्रवृत्ति में नहीं था और वाणी में नहीं था, ऐसे चोरी चपोटी का, अपने न्याय का कमाया हुआ धन तो है ही ना, लेकिन वो चोरी चपोटी का पाप ही, क्योंकि बिहार जेल जाना पड़ेगा, डंडे पड़ेंगे पुलिस के, उसके डर के मारे सब अनुमित जैसे बने रहे हम सब।
क्योंकि जो पांच पाप हैं जिनका त्याग कराया जाता है अनुव्रतों में, वो राज दंड के अपराध है और समाज दंड के अपराध है। किसी की हत्या करना, हमने स्थावर की तो छोड़ी नहीं है, मतलब तिरस्की हमें कोई कर नहीं सकते किसी की, कर सकते किसी को, मारते तो जेल में जाते कि नहीं जाते, क्यों? बड़ा झूठ बोलते हैं इनकम टैक्स वाले से, सेल टैक्स वाले से, तो अभी क्या दुर्दशा होती कल्पना कर लो आप। तो ये पांचों पाप हमारे मनों में जितने थे, क्यों? क्योंकि हमारे अनुवृत्त नहीं थे, समझना, इसका मतलब है ना, क्यों नहीं छोड़ अनुवृत्त ले लेते, लेकिन हमारी क्रिया में देखने में नहीं आते थे, हमारी वाणी में भी नहीं आते थे। अब वो जब निकलना शुरू होता है पाप, तो वो पहले वो निकलता है जो मन में था और वाणी और काया में नहीं था, तो वो अनंत है, पर हमारी वाणी और काया में है अनंतमा भाग, खासकर काया में है अनंतमा भाग, क्रिया में है अनंतमा भाग। तो वो अनंत पाप जब तक निकल जाएगा, तब तक हमारा बाहर में कुछ दिखेगा ही नहीं कि कोई जीवन में परिवर्तन आया है, समझे? इसलिए कहते हैं कि अभी तो फिर नहीं, इतना आया है वो शास्त्र से हमें मालूम पड़ता है, सर्व भगवान के ज्ञान में है ना, श्रुत ज्ञान से हमारे ज्ञान में है। श्रुत ज्ञान माने आगम ज्ञान भी श्रुत ज्ञान कहलाता है, नयों का ज्ञान भी श्रुत ज्ञान कहलाता है, तर्कयुक्ति भी श्रुत ज्ञान कहलाती है। इसके माध्यम से हमें भी मालूम है और शास्त्रों में भी लिखा है वो। अब इस जगत में उसे क्यों कन्वर्म नहीं किया जाता? क्योंकि जगत को मालूम नहीं है, जो सर्वज्ञ को नहीं मानता, जो जुनवाणी को नहीं मानता, उसे नहीं मालूम। और यदि हम काया में कोई परिवर्तन नहीं आया और उसे त्यागी नाम दे दें, तो दुनिया हंसेगी ना कि बस घर में पत्नी है, बाल बच्चे हैं, खूब धंधा है, पानी है, सब चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्यों है? और ये सब सही त्यागी हो गए, तपस्वी हो गए। इसलिए आचार्यों ने व्यवस्था बनाई कि उतना भी निकल जाएगा संयम, लेकिन जब तक ये काया वाला में नहीं फर्क पड़ेगा, तब तक उसे हम असंयम ही कहेंगे। असंयम का नाम, असंयम असंयम दृष्टि ये नाम देंगे, नहीं तो ये दुनिया उन्हें जिंदा नहीं रहने देगी। अभी जिंदा नहीं रहने देगी दुर्योधन जी का क्या मतलब? अब पूज्य गुरुदेव श्री थे, अब वे उन्होंने अपनी जिंदगी में घोषणा करी कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं कोई वृत्ति नहीं हूँ, महावृत्ति नहीं हूँ, अनुवृत्ति नहीं हूँ। बहुत डंके की चोट कही, मैंने खुद उनसे पूछा है, इंटरव्यू लिया है, इंटरव्यू को छापा है सारे जगत के सामने, ख्याल में है ना? तो भी लोग उनसे साधु जैसे आचरण की अपेक्षा करते, जबकि हम सामान्य ग्रस्तों से, सामान्य सम्यक दृष्टियों से, संबंधी भाई चकबद्धि से घर में नहीं रहते हैं, स्त्री बाल बच्चे नहीं होते हैं, धंधा पानी नहीं करते हैं, शास्त्र के हिसाब से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अब इनसे हजार गुने लाख गुने अच्छे होने पर भी, और उनको ये सब बातें, उन पर कुछ ना कुछ असंयम असंयम का आरोप लगा रहे। ये जगत तो ऐसा है, यदि हम उन पे लगा रहे तो भरत चक्रवर्ती जैसे 96,000 पत्नियों को पति को कह देते कि ये भी संयमी है, तो क्या होता है आप समझ लीजिए। और आज तो भाग्य की बात है कि गुरुदेव के प्रताप से अपने जो भी विद्वान तैयार हुए हैं वो नई नई उम्र के बच्चे हैं, तो भी उनमें उतना शुद्ध सदा सात्विक सदाचारी जीवन है, ख्याल में ही ना। और उसी उम्र के हम अपने घर के बच्चों से उनकी तुलना करके देखें, किसी संत से उनकी तुलना करने की जरूरत नहीं है। आपके घरों में भी उसी उम्र के बच्चे हैं ना, और आप भी बहुत धार्मिक परिवार से हैं, आपने भी गुरुदेव का वर्षों समागम प्राप्त किया है, उनसे तुलना करके देखें।
एक भाई यहाँ आए, मैं सच्ची घटना सुनाता हूँ, तो मेरे पैर पड़ने लगे। मैंने क्यों भैया क्या बात है? कि साहब हमने तो बहुत बहुत सुना था कि यहाँ के लोग बिल्कुल महाभ्रष्ट होते हैं, जिन्हें खाने पीने का कोई मर्यादा नहीं होती है, ये नहीं होती है, वो नहीं होती है। लेकिन मैं देख के दंग रह गया। क्या देखा? कि मैं औरंगाबाद से और वहाँ क्या क्या, क्या गाँव है वो, अकोला जा रहा था बस से, तो उसमें आपका एक विद्यार्थी बैठा था। उसका मेरा नाम तो तोताराम था, वो आलोक आलोक कहते ना, बट वो बैठा था। तो बोले हम सब बुढ़े बुढ़े लोग, जहां बस उतने खड़ी होए वहां कुछ ना कुछ लेके खाते रहे। और वो आदमी ऐसा, वो छोटा बच्चा 20-25 वर्ष का, मुंह बांधे बैठा रहा, अपना पानी साथ में लिया था, वही पानी पिया, बाहर का पानी तक नहीं पिया। तो हमें तो इतनी महिमा आई कि हम सीधे आपके दर्शन करने चले आए। आपके दर्शन हमारे हमारे क्यों, उन्हीं के कर लेते ना दर्शन। हमारा तो एक महान पुण्य का उदय है कि ये है। इतनी कदाचित नहीं भी हो मेरे कहने का मतलब, तो अभी जुर्मानी की आज्ञा के हिसाब से अष्टमूल गुण का धारण, सात वसन का त्याग जितना होना चाहिए उतना हमारा आचरण होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि ये जगत ऐसा नालायक है कि गुरुदेव श्री कह रहे हम तो चौथे गुणस्थान वाले हैं, और उन्हें सातवें सातवें गुणस्थान वाली कसौटी से कसरे, और फिर उनको ये नहीं होना चाहिए, फलानी जगह नहीं होना चाहिए, और ये अस्पताल नहीं होना चाहिए, जो भी उनके तर्क आते हैं सामने। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो चरित्र मोह बस लेस न संयम जो लिखा है, वो इस अपेक्षा लिखा है कि हम तो जादू उसे कहते हैं जो माथे पे चढ़कर बोले, हम तो संयम उसे मानेंगे जो बाहर से दिखाई देगा। ख्याल में है ना, जब तुम्हारे केस लॉन्च होते दिखाई देंगे, जब तुम्हारे हाथ में पीछी कमंडलू होगा। अरे अनुवृत्तियों को भी कहा, अनुवृत्ति भी हो जाए तो भी वो हम तुम जैसे ही दिखेगा ना, क्योंकि मैंने कल कहा था उसकी ड्रेस भी नहीं बदलती है, तो कोई धोती कुर्ता पहनेगा क्यों, वो भी ऐसा रहेगा, और सूट पैंट पहने तो भी कोई बुरी बात नहीं है। द्रव्यचेत काल भाव के हिसाब से जो भी अपनी पहने ना, नौकरी करता हो तो जो ड्रेस वहां नक्की हो, पुलिस में होए तो पुलिस की ड्रेस पहनेगा, सेना में हो तो सेना की ड्रेस पहनेगा, उसमें क्या दिक्कत है? ख्याल में ही ना, अस्पताल में होगा तो डॉक्टरों की ड्रेस पहनेगा। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो त्याग तो अंदर हो गया, इसलिए जो आचार्य ने उत्तर दिया कि ज्ञान प्रत्याख्यान है, कि भैया तूने जान लिया ना, मान लिया ना, और हमसे पूछता है छोड़े कैसे, कि अब तो छूट गया, अब क्या छोड़ना है, क्यों तूने रजिस्ट्री कर दी इसके नाम, तूने इसके नाम बिल कर दी, क्यों अब छोड़े कैसे, अब क्या छोड़े, अब तो तेरा छूट ही गया है, अब तो काल की थोड़ी देरी है। इसलिए आचार्य ने यह जवाब दिया है, अब बाकी की बात है तो वो धीरे धीरे छूट जाएगा। ये गाथा में अपन ने कल तक बात करी थी, अब उसके बाद वो एक कलश लिखते हैं जो प्रेरणा दिया है, बहुत मार्मिक कलश है, उस कलश को मैं पढ़ती हूँ। अब तरति न यावत् वृत्तिमत्यंत बेगाद अनवम पर भावात् त्याग दृष्टांत दृष्टि झटति सकल भावई रन्न दिए विमुक्ता स्वयं अनुभूति तावदर वाभूव। चलो हिंदी पद्य अनुवाद पढ़ो। पर भाव के परित्याग की Yeah.
कहते भैया तो तुमने ये बात समझी है ना कि पर पदार्थ मेरे नहीं है, इससे जो तुम्हारे परिणामों में तुम्हारी वृत्ति में निर्मलता प्रकट हुई है। क्या जो तुम्हारी वृत्ति, वृत्ति और प्रवृत्ति का अंतर समझते हैं? वृत्ति बोलते हैं जो मन में अंदर पैदा हो जाना, और प्रवृत्ति जब क्रिया में आ जाना, और वृत्ति जरा लंबी उम्र होती है वृत्ति की, और प्रवृत्ति की छोटी उम्र होती है। नहीं आया समझ में? जैसे अपन कहते हैं तो उस आदमी की वृत्ति खोटी है, मतलब मन में पहले से ही बेईमानी है, और जब वो बेईमानी करेगा तब वो प्रवृत्ति कहलाएगी बेईमानी की। लेकिन प्रवृत्ति तो कभी कभी होगी, और गवर्नमेंट के डर के, समाज के डर से, और मौका नहीं मिले तो शायद वो प्रवृत्ति होए भी नहीं, लेकिन वृत्ति अंदर 24 घंटा बनी रहती है। दूसरे को ठगने की वृत्ति, दूसरे को आप समझे ना धोखा देने की वृत्ति, अब पर आप क्या समझते हैं पाप उस वृत्ति के हिसाब से लगता है, प्रवृत्ति के हिसाब से नहीं। बहुत से पापी ऐसे कहते हैं हमने क्या किया, किया ही तो नहीं है, किया ही तो नहीं है, कुछ नहीं किया, हमने हाथ लगाया किसी माँ बहन को। अरे हाथ लगाता तो हाथ नहीं तोड़ दिया जाता है? लगाता कैसे? तो मैंने कोई पाप किया ही नहीं है। लेकिन भैया वो नरक मन के पाप से जाएगा, वो वृत्ति वाले पाप से जाएगा। क्या तो कहते हैं तेरी वृत्ति कुछ निर्मल हुई है, तब तक कि जब तक वो फिर द्वारा मलिन ना हो जाए और प्रवृत्ति में ना आ जाए मलिनता, उसके पहले ही तू अपने अंदर चला जा और अनुभूति कर ले। अथवा फिर तो कहते हैं कि अनुभूति प्रकट हो ही गई, वास्तव में हो गई लिखा है लेकिन भाषा ऐसी है कि कर ले। ये तत्व के उपदेश से क्या देखा ना, प्रभाव त्याग दृष्टांत दृष्टि, प्रभाव के त्याग का हमने दृष्टांत दिया, कौन सा? धोबी वाला है? धोबी वाला दिया ना दृष्टांत। तो तू उस वक्त उसे दे दे, क्योंकि थोड़ी देर में तेरी वृत्ति मलिन हो जाएगी और तू तरकीब सोचने लगा कि नहीं देने का क्या उपाय। नहीं हुए स्पष्ट? फिर कहता हूँ जरा कि अदालत में आपके विरुद्ध ये हो गया कि भाई तुमको ये इतने पैसे इनको देने हैं, ख्याल में है ना कि मकान है अब आपको खाली करना है, मालिक का खाली नहीं करते थे तो एक क्षण को, और आपको लगा जब बहुत डांट पड़ी वहाँ कि लगा कि अभी मेरा नहीं रहा, अब तो खाली करना ही पड़ेगा और ये पैसा देने ही पड़ेंगे, ऐसा तेरे मन में भाव आ गया। तो अब आ गया और तेरा हो तो तत्काल तू दे ही दे, वो चाबी दे दे। क्यों? कि यदि तूने उसमें घंटे दो घंटे भी देर की तो तेरी वृत्ति फिर बिल्कुल बदल जाएगी। क्या? अब बदल जाएगी कि आप हाई कोर्ट में जाओ, 10 साल तो लटके गए, अब ऐसे ही थोड़ी खाली कर देंगे, और मांग लो इससे 10-5 लाख 2 लाख रुपया ले लो खाली कराई के, हार गए तो क्या फर्क होता। मेरे कहने का मतलब तेरे अंदर में बेईमानी आए बिना रहेगी नहीं, आचार्य कहते, क्योंकि ये निर्मलता भी अभी ज्यादा काल तक टिकने वाली नहीं है। ए, 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 दान देने वालों के कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वे जो भी बोलते हैं तो तत्काल निकाल के देते हैं। उनसे कहा भाई क्या बात है, ऐसी क्या बात है, आ जाएगा कि नहीं नहीं मैं नहीं आ जाएगा, मैं तो आप ले लो, अब मैं कर्जदार हो गया और कल मेरा भाव बदल गया, मेरी स्थिति बदल गई और मैं नहीं दिया पाया तो कर्जे में मर जाऊंगा। क्यों? क्या क्या बात करते हो, हमें आप पर विश्वास नहीं है, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है, हमें आपका पक्का विश्वास है। किस बात का? कि आपको हम पर विश्वास है,
लेकिन मुझे मुझे मुझ पर विश्वास है, ले लो तुम चुपचाप। क्या मुझे मुझ पर विश्वास नहीं, आज तो मेरे पास है और कल नहीं रहा तो क्या होगा, बोलिए। ये संपत्ति क्षणभंगुर नहीं है। और ऐसा लोग नहीं होते हैं कि अपन ने उनसे कहा, 10-5 लोग पीछे पड़ गए घेर घार के, चढ़ा बेटा सूली पे भला भरे भगवान, तो उससे अपन ने लिखा लिए 1,00,000 रुपया, पांडी शुरू करी 1,00,000 रुपये लिखा लिए। अब फिर अपन जब दूसरे की तरफ गए तो कोई आदमी 11,000 से ऊपर बढ़ा ही नहीं, फिर 11,000 से शुरू हो गई पांडी, तो होते होते जब 11,000 से आई और फिर उसने वो लिस्ट देखी, मैं ठगाया गया, 11,000 देता तो भी काम चल जाता, और सबसे ऊपर नाम लिखना देता तो 15 दे देता, मैंने 1,00,000 मुफ्त में दे दिए। अब बस खत्म, बिगड़ गया ना, मैंने बोली वहां बोल दिया और दिया नहीं, उसके बीच में क्या गड़बड़ हो गई, क्यों? फिर कोई बात नहीं है, अभी तो बोला है दिया थोड़ी है, और दूंगा तो मैं ही, क्यों? फिर आए मांगने, दे देंगे दे देंगे दे देंगे। अब क्या आपसे कर्जा लिया था क्या, छाती में चढ़ के बैठ गए, समझ नहीं रहता क्या? ऐसा व्यवहार करेगा कि दूसरा कोई तकादा करने की मैं सोचा ही नहीं, बट्टे खाते में मार दे, क्यों? वृत्ति बदलती क्या नहीं बदलती? देखो, हाँ ना करने से काम नहीं चलेगा, इस सारा हम लोगों का अनुभव, हम लोगों का सबका अनुभव है कि यहाँ पर लिखाए गए कि कितने लिखे गए, कि 33 भाई, कि 21 लाख हो गए, कि 15-16 तो आ ही जाएंगे। क्या 15-16 तो आ ही जाएंगे, हमारा साहित्य जाता है ना, साहित्य तो हम पहले भेज देते हैं और पैसा जैसे बाद में आता रहता है, उसमें भी 5-10% जाता है, नहीं आता है, चाहे तुम चाहते तगा दे कर लो, और दो पुरस्कार से तीसरा चला गया तो डांट और खानी पड़ेगी, है ना? तो पार्टी जी तो कहते हैं, दादा 10% तो छीजत मान ही लो, वो तो होगी। मैं कह क्या बात करते हो आप, धीरे धीरे ठोकर खाते खाते समझ में आया कि व्यापारियों का कहना ही सही है, इतने आए तो इतने ही गिनना, इतने आएंगे ही नहीं। क्या अनुभव है तुम्हारा भाई पाल जी? मेरा अनुभव नहीं है, मेरा तो सिर्फ सुना सुनाया है, क्योंकि जब तक पार्टनी जी रहे उनने मेरे पर कुछ भी, मुझको कुछ सोचने ही नहीं दिया, कि उन्हें कहा इन्हें बताओ ही मत, नहीं तो इनका ये प्रचन खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हुआ, चुपचाप अंत में बैठ के, अरे वो सब एक साल में निकलती ना बड़ी पांडी, अब ये मेरे पास आते हैं कि दादा ये इतने इतने हैं, इसके 25 रुपए के, 50 रुपए, तो इतने अपन रिजेक्ट कर दे, क्या करते ना हर साल, तो क्या बात करते हो तुम, दूसरा पत्र डालो, तीसरा पत्र डालो, फिर दादा अब ये नहीं आएंगे, कर दे रिजेक्ट। तो फिर अन्ना जी के पास जाते हैं कि दादा मानते ही नहीं है अभी, क्या क्या करें हम। अन्ना जी कहते हैं आप समझते नहीं हो, मैंने सब देखा है वहाँ, मैं सीखा हूँ वहाँ, कहाँ समन्त भद्र महाराज ने सब सिखाया है मेरे को, अब आप इसे माथा मत मारो, इसमें कर दो, कर दो, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। पहले मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, क्या आप समझ रहे हैं ना आपकी, कि इसमें से ऐसा भी हो सकता है। तो ये कहते हैं त्याग के दृष्टांत की दृष्टि से हमने तुम्हें पर के एकत्व मत्व छुड़ाया, तो तुम वो एकत्व मत्व की वृत्ति अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहेगी, ये निर्मल, तो तुम वो द्वारा उठ के खड़ी हो, उसके पहले छोड़ दो। देखो प्रभाव के परित्याग की दृष्टि पुरानी ना पड़े,
ये कैसी विचित्र बात है, हमने नगद रुपया दिए, आपने नगद लिए, क्यों बाकायद पक्की लिखा पड़ी, बिल्कुल टिकट लगा के गवर्नमेंट की। उसका रूल है कि 3 साल के पहले उसमें दावा कर देना चाहिए, यदि वो नहीं देता है तो क्यों, और हमने दावा नहीं कर पाया तो गवर्नमेंट के दी अब नहीं मिलेगी, क्यों हमने दे थे ना, तो 3 साल की बात है, 3 साल के पहले आपने दावा नहीं किया, मेरे गले आज तक नहीं उतरा, लेकिन कभी गवर्नमेंट चलाने का मौका मिलेगा तो उतर जाएगा। क्यों 3 साल पुराना हुआ तो फिर वो तुम्हें वसूल होने ही वाले नहीं है, क्योंकि उसका मन इतना बदल जाएगा कि वो उसको गिनता ही नहीं है कि मुझे देना है। अब मेरा पॉइंट सुनिए ना, इसलिए उन्होंने नक्की कर दी, चलो नक्की कर दो, हम कहाँ तक मुकदमे करते फिरेंगे भाई, इसके बाद में ऐसे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यानी इतनी तेजी से मन बदलता है, जयमती लाल जी आचार्यों को भी अनुभव था, तो कहते त्याग के दृष्टांत की दृष्टि पुरानी ना पड़े, देखो प्रभाव के परित्याग की दृष्टि पुरानी ना पड़े, और जब तलक हे आत्मन वृत्ति न हो अति बलवती, वृत्ति माने खोटी वृत्ति, अब वो दब गई है, वो तुम्हारी वृत्ति में तो वही था कि नहीं देना नहीं देना नहीं देना, कभी बैंक से कर्जा मिल रहा है तो ले लो कितना मिलेगा, जितना अधिक से अधिक मिल सकता है उतना ले लो, कभी वो देना भी तो पड़ेगा, देखी जाएगी, अरे क्या कह रहा है, देखी जाएगी, अभी से मन में पेट में पाप है, नहीं देंगे फिर गवर्नमेंट सब किसानों का कर्जा माफ कर देगी, तो फिर ले आएंगे, फिर 2-4 साल में लेके फिर किसान को कर्जा माफ कर देगी, 5 साल में वोट लेने आएगी, तो क्या करना, देने का किसका काम है। वृत्ति न हो अति बलवती, अब बलवती ना हो माने अभी वह जरा कमजोर पड़ गई है, कौन सी, जो तेरे 24 घंटा के आचार्यों के डंडे की मार मार से कि तेरी नहीं है तेरी नहीं है तेरी नहीं है, ये वृत्ति बहुत खोटी है, ये बहुत खुट्टी हो, थोड़ी मंदी पड़ गई है, तो वो अधिक काल तक मंदी नहीं रहेगी, कर्णियों भी कहता है वो उपशम अंतर्मुह से ज्यादा नहीं होता है, वो उसके बाद उदय में आने वाला है, तो वो वृत्ति जब तेरी बेक बलवती न हो तब तक व्यतिरक्त जो प्रभाव से वह आत्मा अति शीघ्र ही अनुभूत में उतरा, अरे चैतन्य में वह स्वयं ही, जिसका चैतन्य आत्मा उस अनुभूति में उतर जाएगा वो पार है, और नहीं तब सब खत्म हो जाएगा, जो अपने साथ रोजाना होता है, आप प्रवचन सुनते हैं और कभी कभी बहुत ही मार्मिक प्रवचन आता है, आचार्यों की करुणा का उद्बोधन आता है, तो ऐसा एकदम अंदर से हम सबको ऐसा लग जाता है कि नहीं लग जाता है कि अब तो मेरे को पूरा का पूरा ये करना है, अब मेरे को ऐसा करना है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, और ऐसा कर दे, और बस ये प्रवचन खत्म नहीं हुआ कि वो बिल्कुल धीरे धीरे एकदम उल्टी धारा में बहकर वो होने लगती है, ये पानी को गर्म हुआ ना वो उतार के नीचे रखा और वो 24 घंटे एकदम तेजी से ठंडक की तरफ दौड़ने लगता है, वो गर्म लोहे का कह रहे भैया लोहे का स्वरूप बदलना है तो गर्म लोहे को पीट लो, ठंडा हो गया तो पिटेगा नहीं लोहा का, है ना, कहते 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 हैं, तो आचार्य ये कह रहा है कि गर्म लोहा है, हमारा रोजाना गर्म लोहा होता है, स्वाध्याय करने बैठते हैं ये समझिए ना, और शास्त्र पढ़ते हैं उसमें बैराग की बातें आती हैं तो हमारा हृदय पिघलता है, आइए सामने एक्सीडेंट होता है, किसी को एकदम कुचलते देखते हैं तो हमारा हृदय पिघलता है, संसार बिल्कुल आसान लगने लगता है, क्यों, ये परिग्रह बिल्कुल जंजाल लगने लगता है, लगता है कि नहीं लगता है, जब से बोलते हैं मरघट या बैराग कि मरघट में जाते हैं तो सबको बैराग आता है और सब बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं और घर पर लौटते लौटते अब तो आजकल वो मरघटिया भी नहीं होता है,
मरघट में भी राजनीति की बातें होती हैं, चाय पानी चलता है, गप्पे लगती हैं, आप भी समझिए नमकीन है। वो कहते हैं भैया वो तेरे को बहुत बढ़िया अवसर है कि जब तेरे को ऐसा भाव आया हो। देखो हम सब लोग हमारे बाहरी जीवन से तो हम एक दूसरे के भी परिचित हैं, है ना। तो बाहरी जीवन में बेईमानी पाप आ जाता है, छल प्रपंच आ जाता है, तो सारे जगत को मालूम पड़ जाता है, है ना। तो वो तो बहुत हल्की स्थिति है, लेकिन ऐसा भी है कि हमारा बाहर जीवन बहुत शुद्ध सात्विक पवित्र दिखाई देता है, फिर भी अंदर में वो बातें चीज़ें ऐसी चलती रहती है। मेरे कहने का मतलब है ना, ये ऐसी वृत्ति में ये बातें चीज़ें चलती रहती हैं। और फिर कई ऐसे प्रसंग बनते हैं कि जिन प्रसंगों में ऐसा है कि हमको ऐसा भाव आता है अंदर में ही खुद को ही, क्योंकि हम अपनी खोटी वृत्ति और खोटी प्रवृत्तियों को जितना जानते हैं उतना सर्वज्ञ को छोड़ के शायद कोई दूसरा नहीं जानता होगा। अब मेरा मतलब समझ गया ना, हमें मालूम नहीं पड़ता है अपनी वृत्ति प्रवृत्ति। और हमारा आत्मा समय समय पर हमें जितना सतर्क करता है शायद दूसरा कोई शायद ही करता हो, मुझे पता ही नहीं चलता। और चलेगा भी तो हम कहां सुनने वाले हैं। हमारे अंदर ही हमको ही आत्मा से ही ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये बहुत अनर्थ हो गया है। क्या कहते गए थे काय के लिए होटल लगे कपास था ना, हाँ गए थे हरि भजन को और होटल लगे कपास, है ना। अब ये साधु हैं संत हैं, कुंद कुंदाचारी देव ने लिखा कि बेटा जब तेरे चित्त में शिथिलता आने लग जाए तो तुम दीक्षा के लेते समय के परिणाम को याद करना। वो क्या मानते थे है भी कि जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है जो अभी महा से महाभ्रष्ट हो वो, तो दीक्षा लेते वक्त गारंटी से उसके परिणाम बहुत निर्बल होते हैं। ऐसा तो छल होता ही नहीं है कि मैं अभी ऐसा हो जाता हूँ तो फिर खूब दुनिया को ठगूंगा और ऐसा करूँगा ऐसा, लाख में एकाध का होता हो कोई तो वो तो दीक्षा ही नहीं ले रहा, लेकिन बाकी सब मुझे बिल्कुल सारी झंझट से बच के आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा का ध्यान करना है, मैं कोई बहुत बड़ी आश्रम बनाऊंगा, टेकरी बनाऊंगा, ये करूंगा अपना एक ऐसा बिल्कुल भी विकल्प उसको इसकी कीमत उसके जीवन में नहीं होता है। निश्चित रूप से पक्की बात है जी। और बस फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये सारी विकृतियां होती हैं और धीरे धीरे हो जाती हैं, क्योंकि अंदर से जो वृत्ति है वो नहीं टूटी थी और वो क्षणिक वैराग्य में आकर के वो बात उसको हुई थी। तो वे कहते उस वक्त के परिणाम को तुम याद करना। ऐसा हर व्यक्ति, अभी वो मुनिराज है, अब क्षुल्लक होता है, ऐलक हो चाहे आरिका हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे विद्वान हो चाहे अनुवृत्ति हो चाहे मतलब ऊपर से नीचे तक हरेक का यही है कि जिसमें मान लीजिए पहले जब धर्म पढ़ने यहाँ आए थे तो वो जानते हैं कि मैं इतना प्रतिभाशाली हूँ, फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन आया हूँ और मैं किसी भी लेन में जा सकता हूँ और वहाँ जा कर के मैं बहुत टॉप पर लाखों रुपए कमाने की जैसी एजुकेशन ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये धर्म पढ़ने आ गया हूँ क्योंकि आत्मा का कल्याण इसमें है, इस भावना से आता है। और बस धीरे धीरे पंडित भी बन जाता है और बनते ही फिर हिलोरे माल मांगने लगती है, फिर सभा छोटी सभा है, फिर बड़ी सभा है, फिर और अच्छा आकर्षण, फिर ये भी, फिर वो ये, फिर बड़े बड़े आश्रम, फिर जो वो कितना कितना चक्कर खड़ा होता है, भगवान ही मालिक है।
ये सब दुष्चक्र खड़ा होता है। तो वो कहते हैं कुंदकुंद आचार्य ने अकेले मुनियों से कई ऐसी मत समझना, क्योंकि उनके सामने शिष्य मुनि लोग खड़े थे, इसलिए उन मुनिराजों से ये बात कही। लेकिन ये हम सबके लिए है कि जब हमने इस धर्म क्षेत्र का चुनाव किया था, अध्ययन में, स्वाध्याय में, प्रवृत्ति में, क्यों, तब हमारे परिणाम कितने निर्मल थे, और ये बीच में कितनी झंझटें खड़ी हो गई, फिर कितना छल, कितना द्वेष, कितनी झूठ, कितनी फरेब। अरे भाई, यही करना था तो गृहस्थी में उसे क्यों छोड़ के आए, हम वहाँ से क्यों छूटे हैं, तो धंधे ही पानी करना था, वो धंधा पानी जैसे ही सब यहीं करना था, ख्याल में है ना, तो फिर वो धंधा पानी कौन सा बुरा था। तो ये हमको अपने को बहुत गहराई से प्रत्येक को अंदर में ये छंद है, ये बताता है कि सब अपना अंदर अंदर देखें, एक दूसरे की आलोचना करने से कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि उससे कुछ भी किसी का फायदा नहीं होने वाला है, उससे तो कसाय भाव बढ़ेगा ही, एक दूसरे की वृत्ति पे समझे उसे छींटा कसी नाम दिया जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम अपने अंदर में हम देखें, और हमें अपने आत्मा के कल्याण की सच्ची भावना है, तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ प्रभाव के का त्याग कैसे होता है, आत्मानुभूति कैसे प्रकट होती है, इस बात को आचार्य देव ने दृष्टांत देकर बहुत अच्छी तरह समझाया है। इसके लिए हमें निरंतर भेद विज्ञान की भावना को भाना चाहिए, नचाना चाहिए, चिंतन की निरंतरता से ही रुचि की तीव्रता होगी और भावना का प्रबल वेग स्फुरायमान होगा और आत्मानुभूति की भूमिका तैयार होगी। पर ये मार्ग है, ये अपने 12 भावनाएं हैं ना, और बार बार रिपीटन जैसे पाठ करना बोलते हैं, उसका ये महत्व है। अभी निर्णय हो गया ना एक बात का, तो उसको तो अंदर से बार बार ये जो है ना, ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, उसमें उन्होंने कहा मैं कर्म नहीं हूँ उत्तम दिन, तो मानो भावना को नचाया कैसे है, तो मैं कर्म नहीं हूँ, अब नचाओ इसे कैसे, नचाओ कैसे नचाओगे बोलो, सेवंती लाल जी, तो ऐसे नचाएंगे, मैं कर्म नहीं हूँ, मैं ज्ञानावर्णी नहीं हूँ, मैं तो त्रिकालीधर भगवान आत्मा हूँ, मैं दर्शनावर्णी नहीं हूँ, मैं तो त्रिकालीधर भगवान आत्मा हूँ, मैं वेदनी नहीं हूँ, मैं मोहिनी नहीं हूँ, मैं ऐसे 8 कर्म हो जाए पूरे, फिर मैं मति ज्ञानावर्णी नहीं हूँ, मैं शुद्ध ज्ञानावर्णी नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं तो ऐसा लिखा है, पढ़ना देखना है, इसमें संस्कृत में लिखा है। हाँ, हम लोगों की क्या हालत है, वो तुम देनी कि ऐसे हमने 4 घटा के बता दिए और बाकी के तुम घटा लेना, छुट्टी कर दो। गुरुदेव का, गुरुदेव के प्रवचन सुनो, अब वे हैं तो बराबर वो 148 प्रकृतियां धुन में लगे रहेंगे, एक मैं सातावेदनी नहीं हूँ, मैं तो त्रिकालीधर भगवान आत्मा हूँ, मैं असातावेदनी नहीं हूँ, मैं तो त्रिकालीधर भगवान आत्मा हूँ, मैं ए नहीं हूँ, ए नहीं हूँ, ए नहीं हूँ, तो वे 148 बार घटाएंगे, क्यों, काहे की जल्दी है, क्या करना है, और दूसरा काम क्या है, क्या करेंगे, दूसरे काम करके करना क्या है, उस भावना को, कर्म के संन्यास की भावना को नचाना है ना, तो वे नचाते। आचार्य ने क्यों लिखा इतनी बार, अमृतचंदाचार्य, उनका उनके समय की कीमत नहीं थी, तू बड़ा समय वाला आ गया, उन्होंने 148 बार लिखा। यहाँ देखो ये पढ़ा, अंत के कलश भी बहुत मार्मिक है, इनमें अंत में जो कलश है वे बहुत मार्मिक है, जो कलशों का पद्यानुवाद इसमें अंत में है, निकालूंगा तो समय आपका ज्यादा जाएगा, पढ़ना देखना इसे, वो भेद विज्ञान की भावना कैसे नचाना, मालूम ये तो बताया मैंने 148 कर्म की, कर्म से संन्यास की भावना नचाने का, उत्तम सिंह जी देखो, हाँ ये देखना, देखो उत्तम सिंह जी, फिर मैंने भी पूरा लिखा, पहले तो मन में आया कि लिख दूंगा शेष घटित कर लेना, मैंने कहा यार कंजूसी क्यों करते हो, कैसा 10-15 पेज कम हो जाएंगे, 10-15 पेज ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या बिगड़ता है, फिर मन से, वचन से, काया से, फिर मन और वचन से,
फिर वचन और काया से, फिर मन वचन काया तीनों से, ऐसे 108, फिर भी भूतकाल के कर्मों को, फिर 108 बार भूतकाल के, फिर 108 बार वर्तमान काल के, फिर 108 बार भविष्य काल के। क्यों? हम तो इतने में ही घबरा जाते हैं। वो आती है ना 20-21-22 इनका था कि मैं भूतकाल में इनका नहीं था और ये मेरे नहीं थे, मैं वर्तमान काल में इनका नहीं हूँ और ये मेरे नहीं है, और ये भविष्य काल में मेरे नहीं होंगे, मैं इनका नहीं रहूँगा। आते हैं ना वो 3-3 बोल, हम उनमें ही घबरा जाते हैं, लेकिन सबका नहीं है, सबका नहीं, सबका नहीं। अरे भाई, वेद विज्ञान की भावना को नचाओ। भावना में रिपीटिशन गुण है। जब आप अध्ययन करते हैं तो रिपीटिशन दोष है। जब आपने डिसीजन कर लिया तो उसी को अंदर से घोलना, उसमें ख्याल में आया ना, तो वो गुण हो जाता है। क्यों? एक ज्ञान है और वो चारित्र है। चारित्र में प्रैक्टिस चाहिए, वो चाहिए बार बार, क्या बोलते हैं, रिपीटिशन चाहिए। और ज्ञान में नित्य नई खोज चाहिए। ये तो कल आ गया था, ये आज नहीं चलेगा, ख्याल में आई ना। और भावना में वही भावना निरंतर चलेगी। धर्मधाम की आराधना, आराधना का सार है, धर्मधाम की आराधना, आराधना का सार है। अपने आचरी होती ना, वो बराबर वही 8 दफे चलती है और छंद हर दफे बदलता है। तो ये कहते हैं कि तुमको ये जो वृत्ति द्वारा खोटी ना हो, इसके लिए क्या करना? प्रदीप, वेद विज्ञान की भावना को नचाना। और आचार्य ने सर्वसिद्धि ज्ञान अधिकार में नचा के बताई है। और उस प्रकरण के जो कलश है, जब उसको पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने बोला ना, इसमें है आप पढ़ना सर्वसिद्धि ज्ञान अधिकार में, वो ये जो वेद विज्ञान की भावना नचाई ना, 108 बार किया, फिर उन्होंने एक छंद लिख दिया, फिर 108 बार लिखा भूतकाल का, एक भविष्य काल का, फिर एक छंद लिख दिया, फिर वर्तमान काल का, फिर एक छंद लिख दिया, फिर कर्मों का, फिर एक छंद लिख दिया। फिर ऐसे कर करके जो 8-10 छंद हो जाते हैं, वे बहुत गजब के हैं। अब निरंतर पढ़ो, निरंतर पढ़ो। बस ये तो जुदा है और मैं जुदा हूँ, ये जुदा है और मैं जुदा हूँ, ये क्यों रटे? एक ही बात वो कहते हैं, तूने भैया अनादि काल से आज तक ये मैं हूं कितनी बार लटा है तुझे पता है? ये शरीर मैं हूं, इसकी अनवरत धारा तूने कितनी दफे दोहराई है? तो उतना नहीं तो उसका 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, 1000000वां भाग तो दोहरा। कंटालने लग गया क्यों? वही रोटी, वही खाखड़े, क्यों? कितने दिन से खाए हैं? कितने वर्ष की उम्र होगी? और एक साल में 365 दिन होते हैं, और कितने खाखड़े खा लिए? और गुजराती तो खाखड़े के बिना जिंदा नहीं रह सकता है? तो उसके रिपीटिशन में तो नहीं लगता है, यहां 2 दफे में तो रिपीटिशन लगने लगता है। आचार्य कहते भेद विज्ञान की भावना को बेटा ऐसा नचाओ कि वो जो वृत्ति की मलिनता, उसे खड़ा होने का मौका ही ना मिले। दूसरों की बात जाने दो, क्योंकि हमारी वृत्ति का खोटापन हमारे ख्याल में आए बिना रहता नहीं है। तो यदि हम उसे नहीं करेंगे तो दूसरा कोई करने वाला नहीं है। इस कलश में ये कहते हैं कि क्या करें? तो कहते तुमने एक, वो तो छूट गया, कौन सा? ज्ञान में आते ही छूट गया, और अब तुम छोड़ने की भावना को नचाते रहो तो द्वारा ग्रहण करने में नहीं आएगा और तुम्हारा कल्याण होगा।